नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्योहार खुशियों से भरा होता है। इस दिन की तैयारियां लोग काफी समय से पहले से करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे में घर को सजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से घर को सजाते हैं, कोई फूल पत्तियों से तो कोई रंगों से रंगोली बनाकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर रंगोली बनाई जाए तो ये हमारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और उपलब्धियां लेकर आती है। रंगोली बनाने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तो समाप्त होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रंगोली बनाने से घर पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में शुभ अवसर पर विभिन्न रंगों के माध्यम से रंगोली बनाने का रिवाज चला आ रहा है। शुभता का प्रतीक समझी जाने वाली रंगोली आटा, चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल पत्तियों और अनेक प्रकार के रंगों से अलग अलग डिजाइन में बनाई जाती है। तो चलिए आगे जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से रंगोली बनाने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। माना जाता है कि पूर्व मुखी घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से घर के वातावरण में विकास और मान सम्मान में वृद्धि होती है। कहते हैं कि पूर्व दिशा में अंडाकार डिजाइन बनाने से जीवन में विकास के नए मार्ग खुलते हैं। इस दिशा में रंगोली बनाने के लिए सात्विक और ऊर्जा प्रदान करने वाले रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी आदि का इस्तेमाल करने समृद्धि को बढ़ाता है। अगर किसी का घर उत्तर मुखी हो तो उसके लिए जल के गुण से मिलता जुलता डिजाइन बनाने से उन्नति के नए अवसर मिलते हैं। बता दें कि इस दिशा में पीले, हरे, आसमानी और नीले रंगों का प्रयोग करना बहुत शुभ माना गया है। दक्षिण मुखी घर में खूबसूरत आयताकार पैटर्न की रंगोली बनाना शुभ माना गया है। इस दिशा की रंगोली में रंग भरने के लिए गहरा लाल, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों का प्रयोग करने से जीवन में सुरक्षा, यश और आत्मविश्वास बढ़ता है। वास्तु के हिसाब से पश्चिम मुखी घर में सफेद रंगों के इस्तेमाल करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ साथ लाल, पीला, भूरा, हल्का हरा इन रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वही अगर रंगोली बनाने के लिए रंग नहीं मिल पा रहे हो तो एक बेहद खूबसूरत तरीका ये भी है कि रंग बिरंगे फूलों और पंखड़ियों का प्रयोग करके भी रंगोली बनाई जा सकती है। ये न केवल आंखों को खूबसूरत दिखाई देती है बल्कि इसकी महक से मन भी इस खूबसूरती को महसूस करने लगता है। बता दें कि दक्षिण भारत में खास तौर से इस तरह की रंगोली बनाई जाती है और अब हर जगह ऐसी रंगोली बनाने का प्रचलन है। इसी के साथ अगर बाजार में मिलने वाली रंगोली का उपयोग नहीं करना चाहते तो घर में प्राकृतिक रंग तैयार करके रंगोली बनाई जा सकती है। इसके लिए घर पर ही सूजी और चावल के आटे को अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं। इसके अलावा हल्दी, मसूर की दाल और बेसन का उपयोग भी किया जा सकता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।